हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज राधिका और आज के वीडियो में मैं बेसिकली वही चीज की बात करूंगी जो मैं चतुचाक मार्केट से परचेज करके आई हूँ। ऐसा ही समझ लो कि मैंने जो चीजें परचेज की है उसका रिव्यू करूंगी, उसकी प्राइस बताऊंगी, उसकी क्वालिटी कैसी है वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। पैसे के हिसाब से वो वर्थ है कि नहीं वो चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लेट ना करते हुए हम चढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो चीज है जो है मैंने परचेज की है वो ये दो ब्लैक एंड व्हाइट कलर के सिरामिक के पॉट है। उसकी प्राइस 25 थाई बाट है। अब देखो उसकी लेंथ अच्छी खासी, आई थिंक 28 सेंटीमीटर दी हुई है। दोनों के दोनों सिरामिक के बने हुए हैं। ये व्हाइट कलर का है, आप नजदीक से देखो कितना प्यारा है। उसका शेप जो है मुझे काफी पसंद आ रहा था। ये 25 थाई बाट का इसलिए क्योंकि लास्ट के दो ही पीस बचे थे। और ये ब्लैक कलर का है वो भी सेम 28 सेंटीमीटर की साइज है। उसकी भी प्राइस देखोगे तो 25 थाई बाट है, लेकिन ये लास्ट दो पीस बचने की वजह से उसने हमें ये जो फ्लावर पॉट है वो हमको 20-20 बाट में दे दिए थे। तो 20 बाट के हिसाब से ये काफी अच्छे हैं और उसका शेप देखो काफी अच्छा है और ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन मुझे काफी पसंद आया था तो मैंने ये परचेज किए थे। वैसे मुझे उसकी जरूरत नहीं थी लेकिन 20 बाट में दे रहे थे तो मैंने सोचा कभी ना कभी तो ये यूज हो ही जाएंगे। आप देखो नजदीक से उसकी क्वालिटी जो है काफी अच्छी है। ये जो व्हाइट कलर है वो ग्लोसी मटेरियल का है और ये ब्लैक कलर जो है वो मैट है। तो मुझे मैट ब्लैक कलर वैसे काफी पसंद है तो मुझे ये काफी पसंद आया था। अब देखो नजदीक से उसकी पैर देखो काफी खूबसूरत लगती है। वीडियो में पूरी नहीं आ रही है इसलिए मैं थोड़ा दूर से दिखाने की ट्राई कर रही हूं। हो सकता है तो मैं उसका पीछे से वीडियो डाल दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाएगी ये दिखने में कैसे है। उसके बाद जो मैंने परचेज की है व्हाइट कलर की 6 प्लेट और 6 बाउल परचेज की है। कुछ इस तरह के बॉक्स के पैकेजिंग में आए थे। ये जो व्हाइट कलर के बाउल है वो मीडियम साइज के है और उसकी जो डिजाइन है वो हमें काफी पसंद आई थी। फ्लावर डिजाइन है और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्लेन है। आप पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ जिगजैग डिजाइन भी दी हुई है। ये एक जो बाउल है वो हमें 20 बाट का पड़ा था लेकिन हमने मैं और मेरे सब्सक्राइबर दोनों गए थे साथ में तो हमें उसमें टोटल 12 पीस लिए थे तो हमको 20 बाट का कुछ ऐसा डिस्काउंट पड़ा था। तो ये मैंने 6 पीस लिए हैं। आप देख सकते हो काफी खूबसूरत है। बॉक्स के अंदर भी आपको इस तरह की छोटी छोटी जो रेगजीन है वो मिल जाएगी तो आपको उसको संभाल के रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारी चीजें अंदर आपको बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये मैंने 6 पीस परचेज किए थे। उसके अलावा मैंने सेम छोटी 6 व्हाइट प्लेट परचेज की थी। इधर हमारे पास ऐसी कोई चीजें है नहीं कि कोई गेस्ट आए तो छोटी मोटी चीजें जिसमें हम उसको खाना सर्व कर सके। तो इस बार हम जब गए तो हमें ये पूरा सेट काफी पसंद आया था तो मैंने सोचा कि एक बार ये ट्राई करती हूँ कि कैसा आता है। काफी इसका जो वेट है आई थिंक 2 या 3 केजी तो होगा, काफी हैवी वेट है। ये भी मैंने 6 प्लेट परचेज की है। कुछ इस तरह की सेम जो बाउल में डिजाइन थी वही डिजाइन है। अब देख सकते हो उसकी विड्थ भी अच्छी खासी दी हुई है और प्लेट का वेट भी अच्छा खासा है। ऐसा नहीं कि हल्की फुल्की है, पूरी सिरामिक की बनी हुई है। ये मीडियम साइज की प्लेट है, ना तो बहुत बड़ी है ना तो छोटी है। चपाती या पराठा रखने के लिए सही है ये साइज। तो आपको इस तरह की कुछ चीजें लेना है तो आपको चतुचक मार्केट में मिल जाएगा। जैसे व्हाइट कलर में देखोगे तो आपको डल व्हाइट भी मिलेगा, येलोइश व्हाइट भी मिलेगा, ग्लोसी व्हाइट भी मिलेगा, लेकिन मुझे इस तरह के ग्लोसी व्हाइट की काफी टाइम से तलाश थी तो मुझे चतुचक मार्केट में मिल गया। इसकी एक प्लेट की प्राइस जो है वो 50 बाट थी तो हमने 12 प्लेट परचेज की थी, 6 मेरे लिए और 6 मेरे साथ जो लेडीज आई थी उनके लिए। तो हमको उसमें टोटल 20 बाट का डिस्काउंट दिया था उसने भी। आप नजदीक से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि काफी खूबसूरत और काफी अच्छी प्लेट है ये। तो उसकी भी पैकेजिंग आप देखो तो इस तरह के बॉक्स में दी हुई है तो आपको संभाल के रखने में काफी आसानी हो जाएगी। उसके अलावा मैंने लास्ट चतुचक जब गई थी तब भी मैंने ये बोट शेप की ये सुशी प्लेट ली थी। ये हम कोई मिठाई या कुछ ऐसा समोसा कचौरी रखने के लिए यूज करते हैं। तो ये मैंने 3 प्लेट परचेज की थी, 2 मुझे इंडिया भेजनी थी अपने रिलेटिव्स के लिए और एक ये। तो ये मुझे 40 बाट की एक पड़ी है। वैसे तो उसकी प्राइस जो है वो 45 बाट थी लेकिन हमने क्वांटिटी जो है ज्यादा उससे परचेज की है तो उसने थोड़ा डिस्काउंट अपने हिसाब से ही कर दिया है, हमको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। तो मुझे इस तरह की प्लेट बहुत पसंद है तो मैंने अपने रिलेटिव्स के लिए भी ये 2 प्लेटें भेजी है।
काफी खूबसूरत और काफी यूनिक डिजाइन है और रीजनेबल प्राइस में है। ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी प्लेट है, तो मैंने एक ये अपने लिए वापस परचेस की है। लास्ट टाइम मैंने एक परचेस की थी, दोबारा गई तो वापस एक परचेस कर ली। तो इस तरह छोटी छोटी चीजें परचेस करके मैं अपना डिनर सेट जो है वो बनाने की ट्राई कर रही होती हूँ। ये जो छोटी मोटी चीजें हैं आपको ये पेपर में पैक करके देंगे, आपको घर आके अपने हिसाब से उसको बॉक्स वगैरह में पैक करना है तो आप कर सकते हो। उसके अलावा एक शॉप से हमें ये बड़ा चम्मच जो है डोसा वगैरह पलटाने के लिए ये पसंद आया था। ये कुछ उसकी प्राइस है 55 थाई बाट, तो हमने ये वाली जो बड़ी चम्मच है वो परचेस की है। वो वुडन की बनी हुई है, काफी लाइट वेटेड है और काफी अच्छी दिख रही थी, तो हमको ये पसंद आ गई थी तो हमने ये परचेस की है। उसकी प्राइस 55 थाई बाट है। अगर बैंकॉक में आप आओगे तो आपको पता ही होगा कि इस तरह के जो शॉप है यहाँ बहुत फेमस है। मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ, इस तरह की शॉप जो है यहाँ पे बहुत फेमस है। उसकी हर एक की फ्रेग्रेंस जो है डिफरेंट रहती है, तो हमने ये परचेस किया था। वैसे ये 100 बाट के 3 मिलते हैं, लेकिन चतुचाक मार्केट में हमको इस तरह की शॉप जो है वो 100 बाट के 4 मिल रहे थे, तो हमने इस तरह के डिफरेंट शॉप जो है वो परचेस किए थे। इंडिया अगर हमको जाना है तो इस तरह के शॉप काफी अच्छे लगते हो, और इंडियन पब्लिक के लिए इस तरह की डिफरेंट चीजें उन लोगों को काफी पसंद आती है, तो हमने कुछ इस तरह के शॉप जो है वो डिफरेंट परचेस किए थे। ये हमको 100 बाट के 4 पीस मिले थे, काफी खूबसूरत और काफी अलग अलग डिजाइन है। बहुत सारी और भी बहुत सारी वेराइटीज थी, लेकिन हमको और ज्यादा क्वांटिटी चाहिए नहीं थी, तो हमने अपने हिसाब से इस तरह से ही परचेस किया था। उसके अलावा ये जो बाम है आपको बैंकॉक में हर जगह मिल जाएगा, 7-Eleven में वगैरह में। किसी को मोशन सिकनेस है, किसी को फीवर वगैरह में जो नोज ब्लॉक हो जाता है उसके लिए काफी अच्छी बाम है ये। इसमें जो लिक्विड कंटेंट नहीं होता है, उसमें एक छोटी सी पता नहीं थाई हब होती है, उसकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग आती है कि आपको जब ट्रैवलिंग वगैरह में जो सिकनेस होती है वो रिड्यूस होने में आपकी हेल्प करेगी। इंडिया जब भी जाते हैं तो ये जो बाम है हम बड़ी क्वांटिटी में लेके जाते हैं। वैसे ये बाम की प्राइस है वो 55 थाई बाट है, लेकिन चतुचाक में आप बल्क से परचेस करोगे तो अराउंड आपको 40-45 थाई बाट में मिल सकती है। तो आप एक बार अगर इंडिया से आ रहे हो और शॉपिंग करना चाह रहे हो तो इस तरह की छोटी मोटी चीजें जो है आपको चतुचाक मार्केट में मिल जाएगी। उसके अलावा बैंकॉक की एक और फेमस चीज है जो हम मंदिर में डेली यूज करते हैं, इस तरह की जो बेल है वो हम मंदिर में यूज करते हैं। यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी में और बहुत वेराइटी में आपको इस तरह की जो बेले है वो देखने को मिल जाएगी। हर एक के ऊपर थाईलैंड लिखा हुआ आता है, इस तरह की पैकेजिंग में आता है, तो किसी को गिफ्ट करना है तो भी आपके लिए इजी हो जाएगा, आपको कुछ पैकेजिंग वगैरह की तकलीफ नहीं होगी। मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। एक मैंने ये थाईलैंड की जो छांग बोलते हैं हम, एलिफेंट बोलते हैं, उस तरह की बेल ली है, उसको पूरी सिल्वर में ली है। इसकी जो प्राइस है वैसे MBK वगैरह में जाओगे तो आपको 100, 120, 130 ऐसी मिलेगी, लेकिन चतुचाक मार्केट में एक शॉप है, मैंने वीडियो में भी मेंशन किया था, वहां पे आपको ये 80 बाट की मिल जाएगी। तो एक हमने ये परचेस की थी और दूसरी सेम वही है, लेकिन हमने जो डिजाइन है वो अलग परचेस की थी, तो आपको वो भी दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह की थी, दोनों की दोनों हमने सिल्वर में ही ली है। हमको गोल्डन भी बहुत वहां पे मिल रही थी, लेकिन गोल्डन हमको लेनी नहीं थी, तो हमने ये जो थाईलैंड में टुक टुक चलते हैं आप देख सकते हो, ये टुक टुक चलते हैं उसकी शेप में पूरा ऊपर का जो हैंडल है वो बना हुआ है और नीचे जो है सिल्वर का बेल दिया हुआ है। अंदर आप देखो छोटी सी घंटड़ी है, तो आप इस तरह आपको मंदिर वगैरह में यूज करना है तो आप कर सकते हो। उसकी आवाज भी बहुत अच्छी आती है, इरिटेटिंग आवाज बिल्कुल नहीं है। तो आप थाईलैंड में आ रहे हो तो ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हैं आप यहाँ से परचेस कर सकते हो और किसी को गिफ्ट में देने के लिए काफी अच्छी लगती है। तो हमने ये दो पीस जो है वो परचेस की है इंडिया ले जाने के लिए, किसी को गिफ्ट करनी थी इसलिए। उसके अलावा हमने सिरामिक के दो बड़े बाउल जो हम सर्विंग में यूज करते हैं वो हमने परचेस किए थे, कुछ इस तरह की पैकेजिंग में वो देखने को मिल जाएंगे। उसका वेट काफी था, हमने ये इसलिए परचेस किए थे क्योंकि हमारे यहाँ हमारे पास इतनी सारी वेरायटी में चीजें होती नहीं है, तो जब भी जाते हैं और हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ चीजें होती है तो हम ये परचेस कर लेते हैं। कुछ अंदर इस तरह के जो पेपर की पैकिंग में आएगा। उसके अलावा ये अच्छी खासी डेप्थ में आपको बाउल देखने को मिल जाएगा, उसका वेट भी बहुत अच्छा है और उसका जो कलर मैट ब्लैक है तो मुझे वैसे ही काफी पसंद है मैट ब्लैक कलर। ये उसका लीड है,
ये देखो उसका लीड है, तो कुछ इस तरह से आप आपको सर्विंग में डाइनिंग टेबल के ऊपर रखने के लिए काफी अच्छा है। उसकी प्राइस वैसे 85 थाई बाट है, लेकिन हमने इसमें भी ज्यादा क्वांटिटी, हम दो लोग थे तो हमारी क्वांटिटी वैसे ही बढ़ जाती है, तो उसने 5 बाट का डिस्काउंट दिया और हमें 80 बाट का एक पड़ा है। तो ये मैंने सेम दो पीस परचेज किए थे वहां से। आई होप गाइस कि आज का मेरा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे, और कुछ इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज हमारी चैनल पे जाए और हमें कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।